हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट। आज की क्लास में हम 8 सितंबर का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों की किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरीज है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही क्लास की पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। सबसे पहले एक बार इस क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास का एक बार रिविजन कर लेते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने किसान स्टोर ऑनलाइन मंच को लॉन्च किया है? अमेजन इंडिया ने। एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरेंट कप का 130वां संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? कोलकाता में। ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली लवलीना बोरगोहन को किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? असम सरकार ने। हाल ही में किस राज्य में नीफा वायरस का मामला सामने आया? केरल में। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? जापान। किस भारतीय को बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? शैलेंद्र सिंह को। गुजरात सरकार ने अभी हाल ही में लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत से कौन सी योजना शुरू करने की योजना बनाई है? वतन प्रेम योजना। वित्त मंत्री ने आयकर विभाग के कार्यालय की आधारशिला किस शहर में रखी है? बेंगलुरु में। किस राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना शुरू की गई है? अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा। चलिए आज की क्लास का करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। ब्राइट स्टार अभ्यास किस देश में आयोजित किया जाने वाला एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है? इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, मिस्र में। आइए कुछ प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। ये 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है और 21 देश इसमें भाग लेते हैं। पहली बार इसका आयोजन कब हुआ था? 1980 में। अब डिस्कस कर लेते हैं स्पेशल डोज 4 एग्जाम में। भूमध्य सागर और लाल सागर को मिलाने वाली नहर कौन सी है? स्वेज नहर, जिसका निर्माण कब हुआ था? 1869 में। स्वेज नहर किन 2 महाद्वीपों को विभाजित करती है? एशिया से अफ्रीका को। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? स्ट्रांबोली ज्वालामुखी को, जो कहाँ स्थित है? इटली के सिसिली द्वीप पर। आसवान बांध किस नदी पर बना है? नील नदी पर बना है। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? मिस्र को कहा जाता है। नील नदी कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील है। काहिरा किसकी राजधानी है? मिस्र की। मिस्र की मुद्रा को क्या कहते हैं? मिस्री पाउंड। ये है मैप में इजिप्ट, आप देख सकते हैं। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ प्रमुख सैन्य अभ्यास। गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास भारत इंडोनेशिया, मित्र शक्ति भारत श्रीलंका, शक्ति भारत फ्रांस, समुद्र शक्ति भारत इंडोनेशिया, वज्र भारत अमेरिका, एलिफेंट भारत मंगोलिया, एकोवीरन भारत मालदीव, एक्स डिजर्ट नाइट 21 भारत फ्रांस, सूर्य किरण भारत नेपाल और मालाबार। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिए, 4 देशों के बीच, भारत जापान अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। अजय बोरियन भारत इंग्लैंड, संपीति भारत बांग्लादेश और कंजर भारत किर्गिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीले आसमान के लिए अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस पर भारत के सबसे ऊंचे वायु शोधक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, चंडीगढ़ में। आइए कुछ प्रमुख तथ्य देख लेते हैं एक बार। चंडीगढ़ में भारत के सबसे ऊंचे वायु शोधक का उद्घाटन किया गया। यह 24 मीटर ऊंचा वायु शोधन टावर है और लगभग 1 किलोमीटर के दायरे की वायु को शुद्ध करने में सक्षम है। यह अपने द्वारा ग्रहण की गई और छोड़ी गई वायु का गुणवत्ता सूचकांक भी दर्शाएगा। यह विद्युत के माध्यम से कार्य करता है और इसका लक्ष्य क्या है? वायु शोधक वायु प्रदूषण कणों को कम करना। अब डिस्कस कर लेते हैं स्पेशल डोज 4 एग्जाम में। देश का पहला स्मोक टावर कहाँ लगाया गया है? तो याद रखिएगा, दिल्ली में। हाल ही में तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो पंजाब और चंडीगढ़ का। मेरा काम मेरा योजना किसने शुरू की? पंजाब सरकार ने। कोवैक्स गठबंधन में जुड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा, पंजाब। कोविड फतेह प्रोग्राम किसने शुरू किया? पंजाब सरकार ने। पंजाब सरकार ने कोरोना टीकाकरण अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? सोनू सूद को। मोहाली अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नया नाम क्या कर दिया गया है? बलबीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम, जो कहाँ स्थित है? पंजाब में। इनोवेशन मिशन पंजाब की शुरुआत किसने की? पंजाब के सीएम ने।
पंजाब के मार्शल आर्ट को क्या कहते हैं? गतका। पंजाब का नवीनतम जिला कौन सा है? मलेरकोटला है। अब आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि हाल ही में कर्नाटक का नवीनतम जिला कौन सा बना है। लाल लकीर मिशन कहाँ शुरू किया गया? पंजाब में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण आयोजित किया जाएगा? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, नेपाल। इसका आयोजन कब होगा? 20 सितंबर से 3 अक्टूबर तक, और कहाँ होगा? भारत के पिथौरागढ़ में। अब डिस्कस कर लेते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, मुद्रा रुपया है, एक दक्षिण एशियाई स्थलरूप राष्ट्र है, राजभाषा नेपाली है, और वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? शेर बहादुर देउवा। संसार का सर्वोच्च शिखर सागरमाथा एवरेस्ट नेपाल और चीन की सीमा पर है। काला पानी विवाद अक्सर चर्चा में रहता है, किन दो देशों के बीच है? तो भारत और नेपाल के बीच। मेची नदी भारत और नेपाल के बीच बॉर्डर बनाती है। ये है मैप में नेपाल। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीले आसमान के लिए अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, 7 सितंबर को। 2021 में इसकी थीम क्या है? स्वच्छ वायु और स्वस्थ ग्रह। अब डिस्कस कर लेते हैं सितंबर माह के कुछ प्रमुख दिवस। 1 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है, 2 सितंबर विश्व नारियल दिवस, 5 सितंबर चैरिटी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और शिक्षक दिवस, 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस और विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस, 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन सहित दिवस, 14 सितंबर याद रखिएगा अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। 15 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस, 18 सितंबर विश्व बांस दिवस, 21 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, 22 सितंबर विश्व राइनो दिवस, 26 सितंबर विश्व समुद्री दिवस और विश्व नदी दिवस, 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस और 28 सितंबर सूचना तथा सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रही पत्रकार कल्याण कोष योजना किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ से। आइए कुछ प्रमुख तथ्य देख लेते हैं एक बार। इसका उद्देश्य क्या है? तो कोविड में जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करना, साथ ही पत्रकारों को कोविड रोग के इलाज के लिए 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। पिक में आप लोग देख सकते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं हाल ही में चर्चा में रहा छत्तीसगढ़। किस राज्य सरकार ने सूखा प्रभावित किसानों को 9000 रुपए प्रति एकड़ देने की घोषणा की है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने की है। हाल ही में शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन मान्यता पत्र देने वाला देश का पहला जिला बना है धमतरी, जो कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार किसे दिया गया? दूती चंद को। अजीत जोगी जिनका हाल ही में निधन हो गया किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? तो छत्तीसगढ़ के। पंडवानी नृत्य कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का, जिसके प्रमुख कलाकार हैं झंडूराम देवांगन, ऋतु वर्मा और तीजन भाई। तीजन भाई नाम इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में माओवादियों को सही रास्ते पर लाने के लिए पुलिस द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया? लॉन बरातू। प्रमुख नेशनल पार्क कौन से छत्तीसगढ़ के? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और कांगेर राष्ट्रीय उद्यान। छत्तीसगढ़ राज्य कब बना था? 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य बना था। भारत का 26वां राज्य बना था। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से लगाया गया है? तो रूस के सहयोग से। कहाँ लगाया गया? छत्तीसगढ़ में। महानदी का उद्गम स्थल रायपुर में सिहावा नामक पर्वत से निकलती है। छत्तीसगढ़ की गंगा और उड़ीसा का सोख किस नदी को कहते हैं? तो याद रखिएगा महानदी को कहते हैं। बंगाल का सोख दामोदर नदी को कहते हैं और बिहार का सोख कोसी नदी को कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति अल्फा कोंडे को विद्रोही सैनिकों ने हिरासत में ले लिया? ये पिक में आप देख सकते हैं। तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, गिनी के राष्ट्रपति। आइए कुछ प्रमुख तथ्य देख लेते हैं एक बार। पश्चिमी अफ्रीका देश गिनी में सैन्य विद्रोह के बाद वहां के राष्ट्रपति अल्फा कोंडे को हिरासत में ले लिया गया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने गिनी में सैन्य विद्रोह की निंदा की है। यह है मैप में गिनी। गिनी की राजधानी कोनार्की है, याद रखिएगा। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं स्पेशल डोज फॉर एग्जाम में अफ्रीका के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश छोड़ के चले गए? तो अफगानिस्तान के।
भारत के किस पड़ोसी देश ने सैन्य आपातकाल लगाया? म्यांमार ने। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री यूसी हिदो सुगा ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की? जापान। मलेशिया के नए राष्ट्रपति कौन है? इस्माइल साबरी है। और इसराइल के नए प्रधानमंत्री कौन है? नफ्ताली बेनेट। अब डिस्कस कर लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? किलिमंजारो, जो कहाँ स्थित है? तंजानिया में। एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों अक्षांशीय रेखाएं गुजरती हैं, कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताजा पानी की झील कौन सी है? विक्टोरिया झील है। दुनिया का सबसे बड़ा और गर्म मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल, जो कहाँ स्थित है? अफ्रीका में। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं? इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती। चलिए आगे देखते हैं। अफ्रीका में पाए जाने वाले ऊंच घास के मैदानों को क्या कहते हैं? सवाना के मैदान। और शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? बेल्ट। हाल ही में अल्जीरिया ने शत्रुतापूर्ण कार्य का हवाला देते हुए किस देश के साथ अपने सभी राजनयिक संबंधों को समाप्त कर लिया? तो मोरक्को के साथ। अल्जीरिया को अफ्रीका और यूरोप के बीच का प्रवेश द्वार माना जाता है। सहारा रेगिस्तान अल्जीरिया के 80% हिस्से को कवर करता है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश और दुनिया का 10वां सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डूगोंग के लिए भारत के पहले संरक्षण रिजर्व की घोषणा की है, जिसे समुद्री गाय के नाम से भी जाना जाता है? पिक में आप इसको देख सकते हैं। तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। आइए कुछ प्रमुख तथ्य देख लेते हैं एक बार। समुद्री गाय के संरक्षण के लिए तमिलनाडु तट पर पहली बार रिजर्व की स्थापना की जाएगी। मन्नार की खाड़ी और पाल खाड़ी क्षेत्र में एक समुद्री संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा, ये आप मैप में देख सकते हैं। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं समुद्री गाय के बारे में। ये एक लुप्त प्राय समुद्री स्तनपायी है। तमिलनाडु में यह मन्नार की खाड़ी में पाया जाता है। विलुप्त होने का खतरे का कारण क्या है? जगह की कमी, समुद्री प्रदूषण और समुद्री घास के नुकसान के कारण। इसका आहार क्या है? तो समुद्री घास है। अब डिस्कस कर लेते हैं तमिलनाडु के बारे में। स्पेशल डोज फॉर एग्जाम में, तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ी पर कौन सी जनजाति रहती है? टोडा जनजाति। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। जल्लीकट्टू और पोंगल त्योहार कहाँ मनाए जाते हैं? तमिलनाडु में। कुडनकुलम परमाणु संयंत्र किसके सहयोग से तमिलनाडु में स्थापित किया गया था? तो रूस के सहयोग से। लौटते हुए मानसून से वर्षा किस तट पर होती है? कोरोमंडल तट पर होती है। भारत दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तमिलनाडु के कोयम्बटूर को कहा जाता है। आगे देखते हैं, भारत का 51वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? श्री बिलू पुथुर मेघामलाई, जो कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2020-21 किसने जीती? तमिलनाडु ने। श्री बृहदेश्वर मंदिर, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। भारत के किस राज्य सरकार ने श्रीलंकाई शरणार्थियों के लिए 317 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है? तो ये तमिलनाडु ने की है। किस राज्य की विधानसभा ने केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है हाल ही में? तो ये तमिलनाडु सरकार ने कहा किया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी पहली बटालियन की एक टीम ने उत्तराखंड में माउंट बलवाला चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। अब डिस्कस कर लेते हैं बलवाला चोटी के बारे में। यह पूरी तरह से उत्तराखंड में स्थित 100वां सबसे ऊंचा स्थान है और इसी श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? नंदा देवी। अब डिस्कस कर लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 में हुई थी। यह भारतीय अर्धसैनिक बल है और गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कहाँ तैनात है? तो लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश, भारत और चीन की सीमा पर। हाल ही में किसे भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के नए महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो संजय अरोड़ा को। अब डिस्कस कर लेते हैं स्पेशल डोज फॉर एग्जाम में उत्तराखंड के बारे में। चारधाम हाईवे परियोजना का उद्घाटन कब किया गया? दिसंबर 2016 में। उत्तराखंड के चार पावन नगर कौन कौन से हैं? केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? 18 अक्टूबर 2010 में। उत्तराखंड सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और महिला सशक्तिकरण अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? वंदना कटारिया को। आईआईटी रुड़की ने किस राज्य के लिए भूकंप चेतावनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड के लिए।
भारत के किस राज्य के चमोली जिले में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो ये कहाँ किया गया? उत्तराखंड में। नारायण कोटी मंदिर, जिसे हाल ही में धरोहर गोदले परियोजना में शामिल किया गया, किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। बछेंद्री पाल, माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला, कहाँ से संबंधित है? उत्तराखंड से। और अभिनव बिंद्रा भी कहाँ से संबंधित है? उत्तराखंड से। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। विधानसभा सीटों की संख्या 71 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है और लोकसभा सीटों की संख्या 5 है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके से लगती है? चीन और नेपाल से। आधिकारिक भाषा हिंदी और संस्कृत है। प्रमुख नेशनल पार्क कौन कौन से है उत्तराखंड के? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। राजा जी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क और लालंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में कब शुरू हुआ था? 1970 में। यह है मैप में उत्तराखंड। दुनिया की योग राजधानी ऋषिकेश है। प्रमुख चोटियां कौन कौन सी हैं? नंदा देवी, कामत और बद्रीनाथ। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध भागीरथी और बिलंगना नदियों के संगम पर बना है। कहां बना है? उत्तराखंड में। प्रमुख धार्मिक स्थल हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ है। उत्तराखंड की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? अलकनंदा, भागीरथी, गंगा, यमुना, धौली गंगा और रामगंगा है। छोलिया उत्तराखंड के कुमायूं आंचल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। प्रमुख झील नैनीताल, भीमताल, झिलमिलताल और गिरीताल है। बुग्याल घास के मैदानों को कहा जाता है उत्तराखंड में। प्रमुख दर्रे लिपुलेख और माना दर्रा है। प्रमुख जनजाति कौन कौन सी है? भोटिया, जौनसारी, राजी और थारू जनजाति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, कर्नाटक सरकार ने। अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ प्रमुख तत्व। कर्नाटक में जल्द ही ऑनलाइन जुए और सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। कैबिनेट ने प्रतिबंध को प्रभावी करने के लिए कर्नाटक पुलिस अधिनियम 1963 में संशोधन करने का निर्णय लिया है। अब एक पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि सितंबर 2020 में आंध्र प्रदेश सरकार ने रमी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब डिस्कस कर लेते हैं कर्नाटक के बारे में। हाल ही में चर्चा में रहा कर्नाटक। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के संबंध में आदेश जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है कर्नाटक और दूसरा कौन सा बना है? मध्य प्रदेश। किस राज्य ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए 75 होनहार एथलीटों की पहचान करने के लिए एक समिति का गठन किया है? तो कर्नाटक सरकार ने किया है। हम्पी किस नदी के पास है? तुंगभद्रा नदी के पास है। और विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तुलुक वंश का कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में संगम वंश के हरियर और बुक्का ने की थी। यह है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक राज्य की सीमा भारत के किन किन राज्यों से लगती है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और गोवा से। राजधानी बेंगलोर है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई है। राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत है। लोकसभा सीटों की संख्या 28 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 12 है और विधानसभा सीटों की संख्या 225 है। कर्नाटक के प्रमुख नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, अंसी राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान और मृदुमलाई नेशनल पार्क। प्रमुख अभयारण्य काबनी वन्यजीव अभयारण्य, ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य और रंगनाथ थीटू पक्षी अभयारण्य। प्रमुख नृत्य कौन सा है? यक्षगान है। कर्नाटक की प्रमुख नदियां काली नदी, भद्रा नदी, चित्रावती नदी, चक्रा नदी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी है। भारत में कॉफी उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? कर्नाटक है। मैसूर महल कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। बेंगलोर भारत की सिलिकॉन वैली, स्पेस सिटी और भारत का विज्ञान शहर भी कहते हैं। प्रमुख जलप्रपात जोग जलप्रपात या गोरसोप्पा जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात और कुचिकल जलप्रपात, ये सब कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। प्रमुख झील कौन सी है? बेलुंदर झील है। कौन सा राज्य सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडरों के लिए आरक्षण प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया? तो याद रखिएगा कर्नाटक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना है? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में किसने अपनी पुस्तक नो यू राइट्स एंड क्लेम देम एक गाइड फॉर यूथ जारी की है? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, एंजेला जोली ने। अब डिस्कस कर लेते हैं इतिहास की प्रमुख घटनाएं एवं उनकी तिथि। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 23 मार्च 1942। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? 1930 में। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। अब कुछ क्वेश्चन है जो कल की क्लास में मैंने आपसे पूछे थे, उनके आंसर एक बार देख लीजिए। भारत में 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने भारतीय कुश्ती को 2032 ओलंपिक तक गोद लिया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। भारत की सिलिकन घाटी किस शहर में स्थित है? बेंगलोर में। नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? कुमार गुप्त के द्वारा। वॉशिंग सोडा इस रूप में जाना जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट में, और बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट में। अब कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देने हैं। सबसे पहले करंट अफेयर के दो क्वेश्चन जिनके आंसर भी आपको कमेंट्स बॉक्स में देने हैं। हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सुकून का उद्घाटन कहाँ किया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महिला अधिकारिता पर पहला G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? अब GS के क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कौन सा है? अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? किस पठार को विश्व की छत के रूप में जाना जाता है? इन सभी के आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देने हैं। अगर क्लासेस पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।